यार दोनों फोन्स का सिर्फ मेन कैमरे काम का है, बाकी तो सिर्फ दिखावे के लिए है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 11 5G स्मार्टफोन को iQOO Z7 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.38 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जो कि फनटच 13 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं भी, अच्छी बात है। लेकिन यार जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई, ब्लोटवेयर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme के अंदर हमें Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें Dimensity 920 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दो दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 920 चिपसेट मिल रहा है, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया और काफी बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूटू स्कोर यहां पर Realme फोन का आता है 4,30,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का आता है 4,80,000 के करीब। दोस्तों अगर आपको बढ़िया एंटूटू स्कोर भी चाहिए ना भाई, तब भी आप यहां पर iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों Realme फोन का जो मेन कैमरा है ना 108 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करनी है भाई, तब आप यहां पर iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, भाई एकदम बढ़िया वाली फोटोज आपकी क्लिक कर देगा। लेकिन बाकी के जो कैमरा ना भाई, 2 का पोर्ट्रेट और 2 का डेप्थ, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Realme के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ iQOO के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। यार मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट अगर आपको ज्यादा चाहिए ना भाई, तब भी आप iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। और यहां पर तो दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है, क्योंकि यार Realme का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है ना भाई, तब भी आप iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। इन्होंने तो यार सारी चीजों में सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Realme का फोन यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहां पर Realme का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन से यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, और 3.5 mm जैक भी हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए हमें Realme फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Realme फोन के 8 प्लस 128 GB
वेरिएंट की प्राइस देंगे 19,000 पे, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइस देंगे 20,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है तब आप यहाँ पर रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से बढ़िया फोन लेना है, कैमरा सेटअप भी बढ़िया चाहिए, साथ ही साथ गेमिंग भी करनी है भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली आईक्यू की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।